लेके आ जा। गोहाना की सड़कों पर बाजार में चलते हुए, ये बाजार है गोहाना का, तो ये इतनी सारी महिलाएं मुझे दिखी, इनके हाथ में पर्चे थे तो मैं रुक गया। तो आप लोग किसके प्रचार के लिए निकली? जगबीर सिंह मलिक के लिए। ये तो चार पांच बार जीत लिए, कुछ करा? तो फिर वोट तो सब कुछ किया ही सब कुछ है। सबसे बड़ी ईमानदारी इनके पास, इसलिए लोग बार बार इनको बना रहे हैं। चोरी नहीं की इन्होंने, जो लोगों के सामूहिक काम बहुत ज्यादा करा इन्होंने, सड़कों का निर्माण, गांव में खेतों में पानी वगैरह सब कुछ। आप कांग्रेस पार्टी में भी है? मैं तो उनकी भाभी हूँ, तो सब किसी में हूँ। मैं तो उनकी भाभी हूँ, तो कांग्रेस पार्टी में क्यों नहीं होंगी मैं? उनकी भाभी? हाँ जी, ये उनकी मिसेज है, ये छोटे भाई की मिसेज है। कौन? हम सारी फैमिली है। कौन मिसेज है? ये भी संतोष मलिक। ओहो, विधायक जी की आप पत्नी है? हाँ जी। तो ये आप सब रिश्तेदारों को लेके निकली क्या? हाँ, ये कोई मेरी फ्रेंड है और कोई हमारी रिश्तेदारी है और सब हमसे हैं। ओह, विधायक लोगों की पत्नियां तो बड़ा लाव लश्कर से चलती है। आप पैदल ही जा रही? हम पैदल घूमते हैं और डोर टू डोर करते हैं घुमाना। लोग कह रहे गाड़ी में वैसे आ जाते हैं, जहाँ जगह जाना होता है इधर से उधर, पर वैसे डोर टू डोर करते हैं। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार तो लड़ाई तगड़ी है, कई निर्दलीय उठ गए। कोई तगड़ी नहीं, हम तो बिना लहर के जीते हैं, तो लहर में तो जीतेंगे ही। कौन कह रहा लहर है? ना खूब है, हमको तो दिखती है जब हम सबके मूड से लगता है कि भाई हाँ, अब हमारी लहर। प्रधानमंत्री जी भी तो यहाँ आने वाले? वो आते रहेंगे, उनको उनको कौन पूछता। प्रधानमंत्री जी आएंगे, वहाँ वहाँ वोट घटेंगे, वो कोई वोट नहीं देगा। वा, ए मोदी का कोई वो नहीं है रोल। प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ गए ना, वहाँ वहाँ बंटाधार होया। जहाँ जहाँ उन्होंने रैली की, उसी जगह पे उनका कैंडिडेट हारा। हरियाणा में जहाँ भी जाएंगे। बता रही अभी 240 सीट आई ना बीजेपी की। अरे फिर वो तो बहुत कुछ कह रहे थे, आई क्यों नहीं? वो तो बहुत कुछ बोल रहे थे, 400 पार कह रहे थे। 400 पार तो नहीं हुई, मिलजुल के सरकार। हरियाणा में 5 तो आ गई, पांच आ गई। वो तो कह रहा था एक भी नहीं है, वो तो ये कह रहे थे एक भी नहीं है। 10 में से 5 ले गए तो 50 में तो बहुत कुछ आ जाता है। अब देखना आ जाता है ना, मानो ना, एक आधी बात मारी भी वहाँ करो के बहुत कुछ आ जाता है। चलो ये बात तो, 5 जीतना तो बड़ी बात है, लेकिन एक बात बताओ, लोग ये कहे, बीजेपी वाले ये कहे कि देखो ये तो पर्ची खर्ची पर नौकरी देते थे और हमने सब पढ़े लिखे सही लोगों को। सुनो, अब हम जो बात बोलना नहीं चाहते वो आप बुलवाना चाहते हो। वो तो यू नोट बांट रहे, हमारे पास ऐसा नोट है नहीं। लोग इलेक्शन जीत लड़ाते हैं हमारे को और हम हमारे को जिताते, इतना ही पैसा हमारे पास। लोगों के पैसों से ही हम लड़ते हैं इलेक्शन और जीतते हैं हमेशा। क्या बोले आप? हम ये कह रहे हैं कि आप कहते हो ना पर्ची खर्ची की, जितना करप्शन इस बीजेपी सरकार में बढ़ा है। यही कहते हैं कि करप्शन कांग्रेस में था। ना ना ना, बिल्कुल झूठी बात है। मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि सब जगह बड़ी पोस्टों पर आरएसएस के जितने भी थे, जो एक दिन भी सरकारी नौकरी में नहीं, उनको डायरेक्टर लगा दिया। मैंने कोर्ट में केस किया, मैं खुद डायरेक्टर थी, शिक्षा विभाग में 8 साल तक मैं सबसे बड़े पद पर रही, डायरेक्टर SCRT रही। लेकिन उस पद पर जो अयोग्य व्यक्ति था, आरएसएस का बंदा था, एक दिन भी सरकारी नौकरी में नहीं रहा, सीधे उसको डायरेक्टर लगा दिया। इतना भ्रष्टाचार तो कहीं भी नहीं देखा। वहाँ 200 करोड़ का बजट आता था, उसको खाने के लिए बीजेपी ने, मैंने 35 साल की नौकरी में 1 रुपया कभी किसी से नहीं लिया, और मुझे हटा करके, क्योंकि मैं मलिक साहब के परिवार से थी इसलिए मुझे हटाया और उनको लगाया। नकाई था वो। और जैसे जैसे ये राशन बांट रहे हैं, ऐसे ये नौकरियां बांट रहे हैं। ये मैंने 50,000 की नौकरी हो, 60,000 की नौकरी हो, और अपने 15-15, 20-20 हजार में पकड़ा के। अच्छा एक बात आप बताइए कि बीजेपी ये कहती है कि हमने महिलाओं की सुरक्षा की और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ठीक किया, गुंडागर्दी खत्म की। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, सब जगह करप्शन है, सब जगह गुंडागर्दी, कोई कानून व्यवस्था ठीक नहीं।